तो गाइज मैं अभी घर आया हुआ था और देख रहा हूँ कि खेत का धान भी कटाई हो चुका है और अभी उठ नहीं रहा है। तो मैंने अभी लाइनअप करके अभी ट्रैक्टर भी बुला लिया है और ट्रैक्टर लेके मैं खेत जा रहा घर हूँ। बहुत दिनों बाद आया हूँ, इस वजह से हमको जो रूट है ट्रैक्टर का वो पता नहीं चल रहा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ किसी तरह उसको खेत तक ले जाऊँ। और आप देख सकते हैं मैं पैदल आ रहा हूँ और ट्रैक्टर वाला को मैं रास्ता दिखा रहा हूँ। काहे कि इधर गांव में या तो कोई गली ऐसा है जहाँ पर पीसी से बना है, वहाँ वायर नीचे है, उससे ट्रैक्टर का जो मशीन है वो जो हुड है, जो हुपर है जिससे धान अलग करने के लिए डाला जाता है, वो हुपर टच होने का चांसेस बन जा रहा था। तो फाइनली मैं इसको अभी लेके आ रहा हूँ, देखिए मेरे पीछे पीछे है और मैं पैदल जा रहा हूँ। सबसे पहले कि अभी जहाँ धान उठा के मुझे रखना है, जो बीड़ा वो स्पेस को मुझे क्लियर करना होगा। ट्रैक्टर वाला बोल रहा है कि अब हम नहीं रुकेंगे, मैं वापस जा रहा हूँ। तो मैंने उन्हें बोल दिया कि ठीक है आप चल जाइए, कल निकल कल वापस आ जाइएगा। तो सबसे पहले मैं इसको अभी क्लियर कर लेता हूँ और यहीं पर मैं एक तिरपाल ला के बिछा के यहीं बीड़ा को रखूँगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं अभी लग गया हूँ इसको सफाई करने में, और साथ ही साथ में मेरे फैमिली मेम्बर भी अभी आ रहे हैं धीरे धीरे एक एक करके, और हम लोग सब मिल के अभी जितने भी बीड़ा है सबको ऊपर उठा के रख दूंगा यहाँ पर। तो गाइस देख सकते हैं इधर काम चल ही रहा है और मुझे बहुत भूख लग गया है, और आज लंच में अभी आया हुआ है हमारे पास गांव में, अभी तालाब में मछली पकड़ाया था, वो मछली झोर है और चावल थोड़ा खा लेते हैं, उसके बाद फिर दोबारा काम में लगना है। तो गाइस देख सकते हैं ऑलमोस्ट हम लोग का जो बीड़ा है यहाँ से उठा के हम लोग ऊपर में रख दिए हैं और यहीं पर मशीन लेके आएंगे, लेकिन आप इस साइड में देख सकते हैं पानी पूरा भरा हुआ है, इस वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है क्योंकि पैर पूरा इसमें दलदल में फंस जा रहा है। और वन साइड उधर तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, इधर एक साइड में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है और बहुत कम बचा हुआ है, और उसके बाद ये वाला बचा हुआ है, इसको हम लोग बांधेंगे नहीं, ऐसे ही मशीन आएगा यहाँ पर ऊपर में तो डायरेक्ट हम लोग ऊपर चढ़ा के मशीन से झड़वा देंगे। आप देख सकते हैं इस साइड में हम लोग यहाँ स्टॉक करके रख रहे हैं, इधर देखिए तो गाइस मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग गांव से बिलोंग नहीं करते हैं और जो लोग गांव से बिलोंग करने के बावजूद बहुत कोई ऐसा होता है कि जितना चावल लेते हैं नहीं खा पाते हैं और उसको बर्बाद कर देते हैं, उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा और मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना आप खा सकते हैं उतने खाएं, अन्न को कभी बर्बाद ना होने दें, क्योंकि इसमें बहुत सारा मेहनत, बहुत लोगों का परिश्रम होता है एक धान को उगाने में, फिर धान को काटने में, फिर इसको चावल बनाने में, तब जाके हम लोग को खाने के लिए नसीब होता है। तो गाइस देख सकते हैं उधर पीछे वाला जो इससे पहले हम लोग जिस खेत से उठा रहे थे वो कंप्लीट हो चुका है, और इस खेत का स्थिति देखिए, पहले ऐसा यह नहीं था यह खेत, अभी हाल फिलहाल में 2 साल पहले एक पानी का टंकी बना उधर,
और उसका भल्व हमेशा ओपन रहता है और पूरा पानी हम लोग का खेत में आता है, जिस वजह से अभी स्थिति ऐसा हो गया कि खेत में पूरा दलदल टाइप का हो गया। बहुत ज़बरदस्त मेहनत करना पड़ रहा है, पूरा देखिए यहाँ तक तो घुस जा रहा कीचड़ में। अभी इसको बांधना है, फिर ऊपर ले जाना है, फिर जाके कल मशीन आएगा, क्योंकि अब घर ले जाके कुछ काम नहीं है इसका, घर में बेल उल रखे नहीं है, तो चाह रहे यहीं मशीन ला के यहीं पर इसका जो है धान झड़ा लिया जाए और फिर उसको ट्रैक्टर में बोरा के सहायता से ले जाएंगे। और बाकी जो चावल बनाने का प्रोसेस है वो घर में चलेगा, अभी सिर्फ नॉर्मल इसको बांध रहे हैं और यहीं पर इसको बांध के ऊपर ले जाएंगे। उधर बांधा है क्या लक्की? उधर अच्छा ठीक हो, कोई बात नहीं। देख सकते हैं कितना ज्यादा कीचड़। वहाँ से आप लोग को दिख रहा है कि नहीं पता नहीं कीचड़ कितना ज़्यादा है। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे, कैमरामैन आप थोड़ा सामने आ जाइए, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा बेटर दिखेगा, जो हमारे YouTube फैमिली है सबको पता चलेगा कि हम लोग कितने कड़ी मेहनत करके धान को घर ले जाते हैं। और अभी तो कुछ नहीं है, पहले हम लोग का इसमें मज़ा आता था, सभी लोग करते थे, अभी थोड़ा कम हो गया है, लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं खेती बाड़ी में। खेती बाड़ी से ज़्यादा उन लोग को मज़ा आता है बाहर में जाके कहीं हाजिरी करना, हाजिरी काम करना और समय का खेला है। फिर एक दौर आएगा जब लोग खेती बाड़ी पर ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे और जो आपका हाजिरी है उसमें कम ध्यान देंगे, लेकिन अभी जो दौर चल रहा है वो हाजिरी का चल रहा है, तो उसी दौर में हम लोग चल रहे हैं, साथ में इसको भी लेते चल रहे हैं। नहीं तो ये खेत जो है अगर कुछ नहीं करेंगे तो घास फूस बड़ा बड़ा घास हो जाएगा और इससे डबल मेहनत लगेगा, इसीलिए धान हो या ना हो ट्रैक्टर चलाना है, खेत हो काम हो या ना हो ट्रैक्टर चलाना है, खेत आपका सही रहेगा। कोशिश करते हैं कि आज आधा ही कंप्लीट हो जाए, बाकी कल सुबह होगा। और इस वीडियो में आप बने रहिए, और क्या क्या प्रोसेस होता है उसका मैं कोशिश करूंगा आप लोग को दिखाऊं।